अमेरिका में भारतीय समुदाय को गुड न्यूज मिली। दरअसल भारतीय मूल के 4 सांसदों को वहां के सदन की समितियों में बतौर सदस्य शामिल किया गया। इनमें राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, एमी बेरा और रो खन्ना हैं। इस बीच अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति से पाकिस्तान समर्थक सांसद इलहान उमर को हटा दिया गया। वो अक्सर भारत विरोधी बयान देती थी और पीओके भी गई थी। अमेरिका और चीन अब एक बड़े बैलून के मुद्दे पर सामने आ सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की हवाई सीमा में एक संदिग्ध बैलून दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि ये बैलून चीन का जासूसी उपकरण है। शुरुआत में इस बैलून को वहीं नष्ट करने पर चर्चा की गई, लेकिन फिर अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसा नहीं करने का सुझाव दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे वहां सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान सरकार ने भारत के बजट का स्वागत किया है। भारत ने बजट में अफगानिस्तान को मदद के लिए 25 मिलियन डॉलर यानी करीब 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इससे पड़ोसी देश में विकास के कामों में मदद मिलेगी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को युद्ध अभ्यास करने पर चेतावनी दी। उसने साफ किया कि इससे पूरे इलाके में अशांति फैलेगी। दरअसल दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने एक साझा युद्ध अभ्यास किया था। इसमें स्टील्थ जैसे कई लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को परखा गया। इसी युद्धाभ्यास के बाद उत्तर कोरिया बौखला गया और कहा कि उसे अमेरिका के साथ तब तक किसी भी तरह की बातचीत में दिलचस्पी नहीं है जब तक कि वो अपनी दुश्मनी वाली नीति पर चलता रहेगा। अमेरिका के टेक्सास समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। वहां से कुछ ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें मकानों की छतें बर्फ पर भरी दिखाई दी। इतना ही नहीं, इस बर्फबारी से वहां झूले तक जम गए हैं।